नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं केसर पिस्ता बादाम मिल्क। केसर पिस्ता बादाम मिल्क बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 लीटर दूध। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली दूध की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी मोटे पेंदे वाली कढ़ाई लेंगे, मतलब जिसका बॉटम थोड़ा हैवी हो। हमने कढ़ाई में दूध को डालकर गैस पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारे दूध में बॉईल आना स्टार्ट होगा, हम इसको अच्छे से चलाते हुए मीडियम गैस पर पका लेंगे। हमें गैस को बहुत तेज नहीं करना है और ना ही बिल्कुल स्लो करना है। हम अच्छे से कलछी से चलाते हुए दूध को पका लेंगे। दूध को हमें थोड़ा सा मलाईदार और थोड़ा सा थिक होने तक पकाना है। जैसे ही दूध में बॉईल आना स्टार्ट होता है, उसके झाग से हमारी मलाई बननी स्टार्ट हो जाती है। हम इस तरीके से मलाई को थोड़ा थोड़ा साइड में लगाते जाएंगे, जिससे वो थोड़ी सी थिक हो जाए और हमारे दूध में एक अच्छा सा मलाईदार टेक्सचर आ जाए। जब आपकी मलाई साइड में इकट्ठी हो जाए, तो आप उसे दोबारा स्क्रैप करके दूध में मिला लीजिए। दूध जितना मलाईदार होता है, उतना ही टेस्टी लगता है। हमें दूध को जब तक पकाना है, जब तक हमारा दूध पककर थर्ड फोर्थ ना रह जाए। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में या हल्दीराम में बीकानेर में जाते हैं, तो हमें ठंडा दूध या कुल्लड़ वाला दूध बहुत अट्रैक्ट करता है। आज हम उसी की रेसिपी अपने तरीके से आपको बता रहे हैं। हमारा दूध बहुत ही क्रीमी और मलाई वाला हो गया है और ये लगभग थर्ड फोर्थ तक रेशो में आ गया है। आप इसकी जो साइड की मलाई है, उसको अच्छे से इस तरीके से नाइफ से या किसी भी पोनी या पलटे की सहायता से उसको स्क्रैच कर लीजिए और दूध में ही मिला दीजिए। हमें दूध को लगातार चलाना है ताकि वो नीचे से ना लगे। अब हम इस दूध में 1 कप चीनी डाल रहे हैं। हमारा 2 लीटर का दूध था, हमने 1 कप चीनी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंगली चीनी को घटा या बढ़ा दें, पर ध्यान रखिएगा दूध में अपनी भी एक मिठास होती है और जब दूध थोड़ा सा पक जाता है तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, तो आप चीनी को उस तरीके से एडजस्ट कीजिए। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हमने लगभग 1 टेबलस्पून में केसर को डिप करके रख दिया है, जिससे केसर थोड़ा सा भीग जाए और एक अच्छा सा कलर दे दे। और एक तरफ हम थोड़े से बादाम और पिस्ते मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में। कई लोगों को गर्मी की वजह से सूखे बादाम या सूखे पिस्ते खाने में दिक्कत होती है, तो आप इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद इसका छिलका उतार कर इनको यूज़ कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे केसर का दूध और जो बादाम और पिस्ते थे, उनको हमने मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर दिया है। अगर आपके बच्चे इस तरीके से दरदरा खा लेते हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें सूखा पीस लीजिए, और नहीं तो आप थोड़ा पानी या दूध के साथ बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर इसमें मिक्स कर दीजिए। केसर का अपना एक फ्लेवर होता है और अपनी एक खुशबू होती है, जो हमारे इस दूध में कलर तो देगी ही देगी केसर, लेकिन बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। जब हमने बादाम और पिस्ते को मिक्सी में ग्राइंड किया था, तभी हमने वहाँ पे 5 से 6 छोटी इलायची भी उसी में ऐड कर ली थी, जिससे उसका पाउडर बन जाए। आप चाहें तो आपके पास पिसी हुई इलायची है, तो आप उसे अलग से ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बॉईल आने तक दूध को
अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद हम इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। जब हमारा दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। हमें ठंडा करने के लिए इसमें आइस क्यूब का या आइस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, हमें इन्हें फ्रिज में चिल करना है। और अगर आप गरम दूध के शौकीन हैं तो आप इसे गरम गरम मलाईदार कुल्लड़ में सर्व कीजिए। मेरे पास ये दूध की बॉटल्स थी तो मैं इसमें दूध को फिल करके और अच्छे से चिल्ड करके रख रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें ग्लास में रखिए ठंडा दूध, आप चाहें तो बॉटल में सर्व कीजिए जिससे थोड़ी सी मार्केट वाली फील आए। और अगर आपको गर्म दूध पीने के शौकीन हैं तो आप इसे मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म गर्म सर्व कीजिए। गरम गरम दूध को अगर आप मिट्टी के कुल्हड़ में सर्व करेंगे तो उसका जायका तो दुगना होगा ही होगा, लेकिन जो मिट्टी के कुल्हड़ की भीनी भीनी सी एक खुशबू आती है वो एक आपको अलग ही लेवल का टेस्ट देती है। अगर आपके पास कुल्हड़ अवेलेबल हैं तो आप गरम गरम दूध को बिल्कुल कुल्हड़ में डालकर सर्व कीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे हमें मार्केट में या किसी हम शादी में या फंक्शन में जाते हैं तो जो हमें कुल्हड़ वाला दूध गरम गरम मिलता है तो वही फीलिंग आती है। अगर आपके पास कुल्लड़ नहीं है तो आपके पास जो भी चीज में आप चाहें उसमें आप इसको सर्व कीजिए। हमारा बादाम केसर वाला दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।